नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड दिस इज पार्ट नंबर टू। ये कौन सा पार्ट है जी? दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहला पार्ट कर लिया है और पहले पार्ट में भी तीन से चार ऐसे प्रैक्टिस सेट्स थे। देखिए, एडिटिंग या एरर एंड डिटेक्शन ये जरूर आता है यदि आप क्लास 10th, 9th, 8th या 12th तक किसी में भी पढ़ रहे हो, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सो डेट की कम से कम तीन से चार नंबर आपके कंफर्म रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्लेजर इन बीइंग आउटडोर्स, तो इसने बताया हुआ है कि यहाँ पे एरर वाला पार्ट है और यहाँ पे क्या है, करेक्शन वाला पार्ट है। समझ गए? तो ऐसे ही आपको एरर और करेक्शन लिखना है कि कौन से पार्ट में एरर है और क्या करेक्शन वर्ड आएगा उसका। द प्लेजर ऑफ बीइंग आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? द प्लेजर ऑफ बीइंग आउटडोर्स इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। फंडामेंटल फॉर नहीं आएगा, फंडामेंटल के साथ क्या आता है, प्रपोजिशन आता है टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर की जगह क्या आ जाएगा, फंडामेंटल टू ह्यूमन हैप्पीनेस। देयर डैश सो मच टू लर्न, आर नहीं आएगा, यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। देयर इज सो मच टू लर्न एंड इट इज एन कॉन्स्टेंट, एन तो होगा नहीं, अ कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या आएगा, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिलाइट टू नो मोर ऑन द फ्लोरा एंड फना। तो ऑन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट। प्रेपोजिशन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ क्या लगाना है। आगे चलिए, सेम है, सुनामी इज अ सीरीज इन वेव्स। सुनामी इज अ सीरीज इन वेव्स नहीं, सीरीज ऑफ वेव्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सीरीज ऑफ वेव्स, कि भाई लहरों की सीरीज है। जनरेटेड इन अ बॉडी फ्रॉम वाटर, जनरेटेड इन अ बॉडी फ्रॉम वाटर नहीं आएगा, जनरेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर मतलब समुद्र में एक पर्टिकुलर जगह वेव्स की सीरीज जनरेट होती है। थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, थ्रू की जगह क्या आएगा, बाय, थ्रू की जगह क्या आएगा, बाय, यहाँ पे एरर वाले पार्ट्स लिख दीजिएगा, बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ, इनमें से एक को नहीं दोनों को ही पहुंचाती है, तो और की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंड आ जाएगा। अब एक साथ पढ़ के देखिए, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव जनरेटेड इन अ बॉडी, जनरेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। अगला देख लेते हैं, द वर्क हु गांधी जी हैज टेकन अप वॉज नॉट, काम है ये, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ क्या आएगा, विच। द वर्क विच गांधी जी हैज टेकन अप वॉज नॉट ओनली द अचीव ऑफ पोलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो ओनली द अचीवमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचीवमेंट, अचीवमेंट ऑफ पोलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो द एस्टेब्लिशमेंट, क्या आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रूथ नॉन वायलेंस यूनिटी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, यूनिटी। समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल आसान है, इसकी जैसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आता जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है तो जस्ट टाइप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, प्रेम ज्ञान, आपको उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।